An ambulance executing duties of a garbage van speaks volumes about the state of medical and health affairs in Gilgit Baltistan. It is one of the several other examples that clearly capture the picture of poor health services in the illegally occupied region. With insufficient number of beds and inadequate number of machines required for even fundamental diagnosis and treatments, the hospitals in the region have been of no benefits to the people. अस्पतालों की हालत के हवाले से ये कहा जा सकता है कि कभी कचरा कुंडी में तब्दील हो जाते हैं, कभी एक्सरे इनकी एक्सरे मशीन खराब हो जाती है, कभी डॉक्टर नहीं होता, कभी डॉक्टर वक्त पे नहीं आता, उस वजह से काफी ये पिछली मर्तबा यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल में एक वाकया पेश आया, वहाँ पर एक वो गिजर से एक मरीज लाया गया था जो डॉक्टर न होने की वजह से वो उसकी डेथ हो गई, डेथ वाकया हो गई। तो ऐसे कई वाकयात पेश आते हैं, डॉक्टरों को चाहिए कि वो वक्त पर आएँ और हुकूमत को चाहिए कि हस्पतालों की हालत इज़हार को सही करे, कचरे से पाक करे और अद्वियात नहीं मिलती हैं, अद्वियात दस्तियाब हों। People say that they ran pillar to post in order to have one hospital for the region, but it turned out to be of no help as they continue to suffer. गिलगित बल्तिस्तान में हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो आज से 10 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एक हॉस्पिटल था। उसके बाद यहाँ शहीद सैफुर रहमान हॉस्पिटल का कायम अमल में आया, दो हॉस्पिटल बने, लेकिन यहाँ मसाइल जो हैं उसके अंबार अभी तक हैं। आवाम के मामला जो हैं सेहत के हवाले से वो नागुफ्ता बेह अभी तक हैं। मैं दनियोर की बात करूंगा, दनियोर हॉस्पिटल का जो सामान है वो 30 बेड हॉस्पिटल का बनाया है गवर्नमेंट ने, लेकिन वहाँ इस वक्त ना वहाँ पर किसी मरीज़ की आप तशखीस कर सकते हैं, क्योंकि वो मवाद आपने दिया नहीं है, वो मशीनरी आपने दी नहीं है, एम्बुलेंस किसी और अस्पताल को दी गई है। बसीन हॉस्पिटल की हम बात करें, वहाँ पर आप किसी इमरजेंसी केस को लेके जाएं, आपको वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको डॉक्टर अवेल नहीं होगा। हॉस्पिटल जो है ऊपर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में है, डॉक्टर इमरजेंसी का बैठता है सकवार में। ये कितनी जुल्म की बात है इस कौम के साथ। While people continue to suffer, the authorities sit as a lame duck. While doctors and nurses are perennially absent in the government-run hospitals, they are charging exorbitant fee in their private clinics. For every small medical issue, people are forced to run to Karachi or other parts of Pakistan. कोई इमरजेंसी आ जाती है सिटी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, तो मरीज़ जो है उसने मरना है। स्वरूप हुकूमत को ये एहसास होना चाहिए कि आप इमरजेंसी का डॉक्टर जो है आप स्टेप डोर में रखें। अगर आप स्टेप डोर में डॉक्टर नहीं रखते हैं तो आप कितना भी वहाँ पर उस हॉस्पिटल को फैसिलिटेट करें, वेल फैसिलिटेट करें, वहाँ पर मशीनरी दे दें, डॉक्टर नहीं है, मशीनों ने इंसान को ठीक नहीं करना होता है। तो हुकूमत को चाहिए, 4 सालों में इन्हें बहुत कुछ करना चाहिए था। Successive governments in Gilgit Baltistan have only passed the ball from one court to another. For decades now, no government has benefited the locals even a bit, and they continue to suffer at the hands of corrupt administration. Crumbling medical sector and the corrupt government in Gilgit Baltistan are only compounding the troubles of the beleaguered people who have been fighting for the basic rights for decades now.